ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को बहुत छलनी करने वाली तस्वीरें हैं। आज मेंढर में दो लोगों ने इस कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई है। बता दें कि ये मुश्किल की घड़ी ना जाने कब किस पर आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। ये तस्वीरें इस समय इस ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि हर कोई डर रहा है। आप यकीन मानिएगा कि जब ये पेशेंट अस्पताल में आए होंगे तो इनका क्या हालत हुई होगी और आज इनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से दो कैजुअल्टीज़ एक पुरुष है और एक महिला है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं जहां पर आज इनका अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि पूरे SOP का पालन करते हुए इनका अंतिम संस्कार किया गया। और सोचिए कि ये समय इतना भयानक आ चुका है कि परिवार जो है सब लोग भी इस क्रीमेशन में शामिल नहीं हो पाए। ये बहुत ही दुख और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने ये जान गंवाई है उनको अपने चरणों में स्थान दे। और इसके साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप ये गौर से देखिएगा कि आप लोग इन तस्वीरों से एक सबक लीजिएगा कि हमें अपने घरों के अंदर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। यदि उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम या हमें कोई सिम्टम्स या कोई इस तरीके की ज़्यादा इश्यू है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर जो है हमें इसका टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हम जल्दी से उस बीमारी को पकड़ सकें और इस पे जो है वो काम कर सके। आइए सुनते हैं इस सब पर BMO डॉक्टर परवेज अहमद का क्या कहना है। आइए हम सुनते हैं। मेंढर सब डिवीज़न में आज दो डेथ हुई है, तो बाकी जो है कि केसेस के बारे में, पॉजिटिव केसेस के बारे में, तो वो हमारा BG में भी चल रहा है, सिम्पनी में यहाँ भी चल रहा है। केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ अंदर से भी आ रहे हैं और ट्रैवल भी पॉजिटिव आ रहे हैं डेली। तो हम इस पर खड़ी नज़र रहे हुए हैं और हमने सैम्पलिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी है। हमारे 3 कंटेनमेंट जोन एरिया वजी DM साहब ने बनाए हुए हैं, जिसमें गोलुद और दो अड़ी में है। उसमें भी जो गोलुद है और साथ में अड़ी का है, उसकी आज हमने सैम्पलिंग कर ली है कंटेक्ट ट्रेसिंग करके। दूसरे की तीसरे की सैम्पलिंग हम कल करेंगे। तो बाकी जो लेडी की डेथ हुई है, ये कंटेनमेंट जोन जो बना उसी एरिया में से हुई है, जहाँ से क्लस्टर में से कम अज कम कोई 15-16 के करीब लोग पॉजिटिव आए थे। तो मैं फिर भी आपके एक जो चैनल है उसके माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्राउड ना बनाएं, क्राउडी प्लेसेस पर ना जाएं। और साथ में एक और बहुत बड़ी जो ज़रूरी अपील है वो ये करूँगा, केमिस्ट जो हैं हमारे दुकानदार जितने भी हैं, जो चाहे मेंढर सिटी में हैं चाहे पेरिफेरी में, जितने भी हमारे आगे पीछे दुकानें हैं, और कोई किसी किस्म का आदमी जो बुखार खांसी वगैरह है, गले में दर्द है, ILI फ्लू टाइप का है, तो उसको मेडिसिन ना दें, हमें फौरी इन्फॉर्म करें, तो या उसको एडवाइज करें कि वो अपना टेस्ट करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है उसमें अगर ऐसा केस डिटेक्ट हो जाता है तो हमारा जो है फेटलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो टेस्ट में कोविड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्टेज लास्ट होती है, तो उसमें तो हमारा जो मैनेज करना या उनको बचाना बड़ा मुश्किल।